साड़ी शेपवेयर के साथ साड़ी की फिटिंग तो अच्छी आती ही है, लेकिन आज मैं आपको जो कॉटन वाली पेटीकोट आती है जो रेगुलर यूज़ में हम यूज़ करते हैं उसी के साथ आपको फिटिंग वाली साड़ी किस तरह से ड्रेप कर सकते हैं, चाहे वो डेली वेयर के लिए हो या फिर किसी भी फंक्शन के लिए हो, तो आज मैं आपको वही ट्रिक बताने वाली हूँ। सो हाई गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल इन फैशन स्टाइल। मैं हूँ पूनम और आज की वीडियो में मैंने जैसे बताया कि आप किस तरह से कॉटन की पेटीकोट के साथ भी फिटिंग वाली साड़ी ड्रेप कर सकते हैं, तो आइए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो देखिए, मैंने यहाँ पे पेटीकोट ड्रेप कर ली है और इसकी जो डोरी है मैंने राइट साइड की तरफ रखी है। राइट साइड की तरफ इसलिए हम रखते हैं ताकि हम जो साड़ी के टकिंग है ना, बेसिक राउंड वाली, उसके टकिंग हम राइट से स्टार्ट करते हैं। तो अभी कभी अगर हमें लगे कि हमें थोड़ी सी पेटीकोट को ढीला करना है या फिर टाइट करना है, तो इसलिए हम हमेशा जो पेटीकोट कॉटन वाली पेटीकोट है इसकी डिरेक्शन, डोरी वाली डिरेक्शन हम राइट की तरफ रखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, बिल्कुल मैंने रेगुलर साड़ी ली है, तो रेगुलर साड़ी में क्या है, थोड़ी सी हल्की होती है, तो इसलिए मैं यहाँ पे जब टकिंग स्टार्ट करनी है इससे पहले मैंने यहाँ पे एक नॉट बना दी है। तो इससे ना क्या होगा कि साड़ी की जो लास्ट पोर्शन है वो थोड़ी सी सिक्योर हो जाएगी पेटीकोट के साथ, और ये बार बार नीचे से निकल नहीं आएगी, क्योंकि हम डेली बेसिस में जो साड़ी वेयर करते हैं उसके साथ हमें काम भी करने होते हैं, तो इसके लिए साड़ी को थोड़ी सी फिटिंग और सिक्योर बनाने सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पे देखिए, मैं बिल्कुल साड़ी को खींचते हुए साड़ी को टक कर रही हूँ, और जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक था यहाँ पे मैंने सभी को अच्छे से टक कर दिया। अब पीछे से कोई एक्स्ट्रा फैब्रिक यहाँ पे आपको दिखाई नहीं देगा। तो देखिए, हमारी जो बेसिक राउंड है वो तो हमने कम्प्लीट कर ली। अभी चलते हैं हम साड़ी के पल्लू पोर्शन में। पल्लू पोर्शन को हम किस तरह से बनाते हैं वो आप पर्सनली डिपेंड करता है कि आप कितनी लेंथ का या फिर कितनी बड़ी साइज़ का प्लीटिंग बना रहे हो। तो मैं हमेशा जैसे कि मीडियम साइज़ की प्लीटिंग बनाती हूँ, तो यहाँ पे मैं प्लीटिंग बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। तो अभी जैसे कि इस साड़ी में बॉर्डर दिया हुआ है लेस वाली, तो ये बहुत छोटी सी लेस है, तो मैं लेस से थोड़ी सी बड़ी वाली प्लीटिंग यहाँ पर अरेंज करूँगी, क्योंकि इतनी छोटी अगर मैं पल्लू की प्लीटिंग बनाऊँगी तो बहुत ही छोटी पड़ जाएगी और साड़ी की लुक ज़्यादा अच्छी नहीं आएगी। तो इसलिए मैं बिल्कुल मीडियम साइज़ की यहाँ पे प्लीटिंग बना रही हूँ। अब देखिए, हमने प्लीटिंग तो अरेंज कर ली है, अब प्लीट्स तो अरेंज हो चुके हैं। अरेंज करने के बाद क्या करना पड़ता है कि पल्लू का लेंथ हमें कितना चाहिए, उतने लेंथ का और ज़्यादा हमें प्लीटिंग बनाने की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे मैं प्लीटिंग बना रही हूँ, मैं जैसे रेगुलर बेसिस पे जैसे प्लीटिंग बनाती हूँ उसी तरह से बनाती हूँ। आप जिस किसी भी पैटर्न में प्लीटिंग बनाने में आसानी लगती है आपको, आप उसी तरीके से बना सकते हैं। तो मैंने बहुत सारी वीडियोज़ जैसे पल्लू प्लीट अरेंज करने के लिए बनाई हुई है। अगर आप बिगिनर हैं तो आप कोई भी पैटर्न की प्लीटिंग बनाने की वीडियो देख सकते हैं, किसी भी चैनल में देख सकते हैं, बहुत सारे क्रिएटर बना चुके हैं प्लीटिंग अरेंज करने की वीडियोस। तो यहाँ पे मैं जैसे रेगुलर बेसिस में प्लीटिंग अरेंज करती हूँ उसी तरीके से यहाँ पे मैंने प्लीटिंग अरेंज कर ली है। तो इसके बाद मैं पल्लू की लेंथ चेक करूँगी कि मुझे और ज़्यादा पल्लू की लेंथ चाहिए या फिर इसी से मेरा काम चल जाएगा। तो इसके बाद देखिए, इतना पल्लू बना हुआ है तो मुझे और थोड़ी सी लंबी वाली पल्लू चाहिए थी, इसलिए मैंने यहाँ पे और थोड़ी सी फैब्रिक लेने की बारे में सोचा। तो यहाँ पे जितने जैसा कि मैंने बाकी का प्लीटिंग बनाया था बिल्कुल उसी तरह से मैं यहाँ पे भी और थोड़ी सी फैब्रिक को प्लीटिंग में कन्वर्ट कर दी हूँ। तो इसके बाद मुझे साड़ी के पल्लू को पीछे से घुमाना है। तो साड़ी को पीछे से घुमाने से पहले मैं क्या करूँगी, यहाँ पर एक जो साड़ी पिन आती है उसका यहाँ पर इस्तेमाल करूँगी। तो जब प्लीटिंग को पीछे से घुमाऊंगी अपने लेफ़्ट शोल्डर पे डालने के लिए, तब क्या होगा कि वो मेरे हाथों से छूटेगा नहीं। अगर कभी हो सकता है कि हाथों से ये निकल जाए, तो इसलिए मैं यहाँ पे एक साड़ी पिन का इस्तेमाल कर रही हूँ। और इसके बाद मैं पीछे से घुमाते हुए साड़ी के पल्लू को अपने लेफ़्ट शोल्डर पे डाल दूँगी। तो लेफ़्ट शोल्डर पे डालने के बाद मैंने जैसे बताया कि बहुत सारे वीडियोस में कि सेफ्टी पिन कहाँ पे लगाना है हमें, तो सेफ्टी पिन बिल्कुल डोरी के पास लगाना है या फिर डोरी से पीछे लगानी है, ज़्यादा सामने लगानी नहीं है, नहीं तो पल्लू जो है ना वो हमारे सामने की तरफ बार बार चली आती है, इससे साड़ी की लुक भी ख़राब हो जाती है और हमें थोड़ी सी अनकम्फर्टेबल भी फील होती है।
तो इसके लिए आप अगर चाहो तो एक और सेफ्टी पिन का इस्तेमाल कर सकते हो पीछे की तरफ। तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो डाल दूंगी, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे देखिए, मैंने साड़ी को तो सिक्योर कर लिया सेफ्टी पिन से। अब मुझे फ्रंट की प्लीट की थोड़ी सी अरेंज करनी है। फ्रंट की प्लीट को मैं कुछ इस तरह से जो अंदर वाली बॉर्डर है उसको छोड़ के बाकी जितने भी यहाँ पर फैब्रिक है और बॉर्डर है पकड़ लिए है। और फिर जो ऊपर की बॉर्डर है या फिर लेस है उसको मैंने हटा दिया है। तो यहाँ पे मुझे एक सेफ्टी पिन लगा देनी है। सेफ्टी पिन को आप या फिर अंदर से लगा सकते हो या फिर बाहर से लगा सकते हो। अगर बाहर से आप यहाँ पे फ्रंट की प्लीट पे सेफ्टी पिन लगा रहे हो तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि साड़ी ट्रांसपेरेंट ना हो। अगर साड़ी ट्रांसपेरेंट है तो आपको ब्लाउज़ के अंदर से ही सेफ्टी पिन को सिक्योर करना है। अब देखिए, साड़ी को मैंने पीछे से घुमाते हुए अपने सामने की तरफ ले आई, और ले आने के बाद यहाँ पर मैं जो फैब्रिक है ना थोड़ा सा टाइट करके यहाँ पर मैं बिल्कुल अपने राइट लेग की तरफ खींच लिए। मैंने थोड़ी सी टेढ़ी तिरछी करी है, तो तिरछी करके मुझे यहाँ पे थोड़ी सी मेजरमेंट लेनी है। अब मेजरमेंट लेने के बाद क्या हुआ कि ये जो फैब्रिक मैंने लिया है ना उसको मैंने अपने लेफ्ट साइड के कमर में थोड़ी देर के लिए यहाँ पे टक कर दिए। अब देखिए, मुझे सेंटर प्लीट बनानी है, तो सेंटर प्लीट के लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस है, बहुत सारे तरीके हैं सेंटर प्लीट अरेंज करने के। तो मैं हमेशा जैसे कि बताती हूँ कि जो तरीका अप्लाई करती हूँ वही तरीका यहाँ पे मैं डिलीवर साड़ी के लिए अप्लाई कर रही हूँ। तो अप्लाई करते टाइम क्या करना है, जब भी हम सेंटर प्लीट बना रहे हो, सेंटर प्लीट की जो ऊपर की तरफ जो प्लीट विजिबल होती है ना, जो बिल्कुल फ्रंट में होती है, उसको हमेशा बड़ी रखनी चाहिए। और बाकी जितनी भी प्लेट है, सॉफ्ट साड़ी हो तो छोटी रखनी चाहिए, या फिर थोड़ी सी हार्ड वाली साड़ी हो तो उसको मीडियम साइज़ की रखनी चाहिए। तो इसलिए मैंने यहाँ पे साड़ी की जो प्लेटिंग है ना, जो सेंटर प्लेट की फ्रंट में है, उसको मैंने थोड़ी सी बड़ी रखी हुई है। और फिर मैं इसको अपने बेली बटन के पास सिक्योर कर लूँगी या फिर टक इन कर दूँगी। तो टक इन से पहले साड़ी को मैंने अच्छे से पकड़ा हुआ है जो सेंटर प्लीट की ऊपर वाली प्लीट है, नहीं तो ये फिसल के ना फिर से अपने राइट की तरफ चली जाएगी। अब देखिए, जो लेफ्ट की तरफ मैंने फैब्रिक छोड़ी हुई थी, इसको ना मुझे जो सेंटर प्लीट मैंने यहाँ पे अरेंज किया है, और यहाँ पे कुछ फैब्रिक मैंने टकिन नहीं की थी, बिल्कुल सेंटर प्लीट के नीचे से उसी फैब्रिक को मुझे हाथों से खींच लेना है। ऐसे खींचना है कि साड़ी की फिटिंग भी अच्छी आए, कोई एक्स्ट्रा फैब्रिक आपके पीछे की तरफ ना दिखे, या फिर आपको कंफर्टेबल फील हो। ऐसा भी नहीं है कि इतना ज़्यादा आप टाइट कर रहे हो कि साड़ी की फैब्रिक ही ख़राब हो रही है। उतना करना है कि आपको कंफर्ट फील हो रही हो, या फिर घुटने तक आपको फिटिंग करना है। इससे फैब्रिक ज़्यादा एक्स्ट्रा बचेगा भी नहीं और आपकी साड़ी की फिटिंग भी अच्छी आ जाएगी। तो देखिए, यहाँ पर मैंने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको अपने राइट की तरफ निकाल लिया, और कुछ इस तरह से मैंने इसको मोड़ते हुए यहाँ पर टक इन कर दी। अब राइट साइड में जो फैब्रिक मैंने ऐसे ही छोड़ दिए थे उसको भी मैं अभी टक इन कर दूंगी, लेकिन उस तरह से टक इन करना है कि नीचे से ये ज़्यादा ऊपर की तरफ चढ़ गया, ऐसा ना लगे। तो यहाँ पे देखिए, साड़ी की जो ड्रेपिंग है कंप्लीट हो चुकी है। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस आपको इस तरह से साड़ी की फ़िटिंग बनानी है। अगर आप रेगुलर पेटीकोट या फिर कॉटन की पेटीकोट यूज़ कर रहे हो तो कितनी अच्छे से साड़ी की प्लीटिंग बन के आई है। अब ना जो कमर की जो प्लीटिंग है या फिर सेंटर प्लीट है उसको थोड़ा सा विजिबल करते हुए हमें यहाँ पे ठीक करना है, और इसके बाद साड़ी के फाइनल लुक कुछ इस तरह से आती है। तो देखिए, मुझे ज़्यादा तामझाम करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी साड़ी को ठीक करने के लिए, और साड़ी की फिटिंग भी अच्छी आई है, और पीछे से भी साड़ी की लुक काफ़ी अच्छी आई है, कहीं से भी एक्स्ट्रा फैब्रिक दिख नहीं रही है। तो आप रेगुलर पेटीकोट के साथ भी अच्छी वाली या फिर फिटिंग वाली साड़ी ड्रेप कर सकते हो। आपको कोई ज़रूरत नहीं है हमेशा आप शेपवेयर की यूज़ करो। अगर आपके पास शेपवेयर
नहीं है तो आप अगर चाहो तो इस तरह की फिटिंग वाली साड़ी बना सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी या फिर आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो अगर आप मेरे वीडियोस को पहली बार चैनल पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दी, इससे मेरी आने वाली हर वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, और हाँ, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, आईडी मैंने स्क्रीन पे दे रखी है। तो आपसे मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर।